दोस्तों ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको एग्जाम में कम से कम 5 नंबर से ज्यादा देने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें हम उपसेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फाइंड करना सीख रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो इसकी आप x मान लो। और यहाँ पर देखिए आपका जो K है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 होती है। ये आपको कहां से पता लगेगी दोस्तों, ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री से आपको पता लगेगी। और यहां पर पहले समझो जो कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर आपके दो भाग होते हैं। एक तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये आपका क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो यहां पे CN आपका लिगेंड है, इस पर आवेश कितना होता है, -1 होता है। और इसकी दंतुकता क्या है, एकल दंतुक लिगेंड है ये। तो जो आपका आवेश होता है वही इसकी क्या बनती है, ऑक्सीकरण अवस्था बनती है। तो CN की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आपकी, -1 है। किसकी ज्ञात करनी है, Fe की ज्ञात करनी है। इसकी आपने क्या मान लेनी है, एक्स मान लेनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे इन सब आवेश का योग करना है और उसको इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो यहां पे देखो एक के का आवेश कितना है, 1 है। तो यहां पे के की संख्या कितनी है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस एफ ई का आवेश कितना है, एक्स हमने यहां पे माना है। देखिए ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो आपका क्या है, उस पर स्थित आवेश ही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आवेश और ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक CN की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, यहां पे कितने CN है, 6 CN है। तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0। तो यहां पे क्या हो गया, 4 + x, और ये -12 आ गया, 6 × 1 = 6 हो गया बराबर 0, यानी x − 2। देखो यहां से क्या आएगा, इनका कैलकुलेशन से आपके पास -2 आएगा बराबर 0। इस 2 को दूसरी साइड भेजेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो गया, यानी x बराबर आपका +2 आ गया। तो एफ ई की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या बराबर क्या आ गई, +2 आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अपनी उपसेशन जनसंख्या की। तो उपसेशन जनसंख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे केवल और केवल लिगेंड से रिलेटेड होती है। किसी केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है वो आपकी क्या कहलाती है, उपसेशन जनसंख्या कहलाती है। तो यहां पे एफ ई की उपसेशन जनसंख्या देखिए, यह सी एन क्या है, एकल दंतुक लिगेंड, यानी आपका कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो कितने सी एन है, 6 CN है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर कितने आ गए, 6 आ गए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।